स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन, और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम देखेंगे कॉस्मेटिक ट्यूब बॉक्स के लिए प्रिंटिंग का लेआउट। प्रिंटिंग के लेआउट में हम देखेंगे डाई लाइन, प्लीट और क्रीज लाइन। इन सभी चीजों को डिटेल में देखेंगे और समझेंगे। वीडियो को जरूर से पूरा देखना क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कॉस्मेटिक ट्यूब के लिए बॉक्स का प्रिंटिंग का लेआउट। प्रिंटिंग के लेआउट में डाई लाइन, क्रीज लाइन और ब्लीड, ये सारी तमाम चीजें होती हैं। इन चीजों को हम देखेंगे और समझेंगे। ट्यूब का जो बॉक्स होगा कुछ इस तरह का वर्टिकल बॉक्स होगा। जरूरी नहीं है कॉस्मेटिक ट्यूब के लिए, मेडिसिन ट्यूब के लिए भी होता है इस तरह से वर्टिकल बॉक्स। पर उसका जो डाई लाइन होता है या फिर उसका जो प्रिंटिंग का लेआउट होता है थोड़ा सा अलग होता है। उसको अलग किसी वीडियो में मैं समझा दूंगा, लेकिन ये है कॉस्मेटिक का। थोड़ा सा इसमें बजट ज़्यादा लगता है तो इसमें मेहनत भी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे। साइज ले लेते हैं। साइज आपका क्लाइंट ही आपको देगा। साइज डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के वेट पर, प्रोडक्ट के साइज पर, या फिर प्रोडक्ट के शेप पर, या फिर प्रोडक्ट की क्वांटिटी पर। ठीक है जी, इन सारी चीजों को मिलाकर एक साइज क्रिएट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा साइज आपका क्लाइंट ही आपको देगा। तो साइज को देखने के लिए जी हमारे क्लाइंट ने, यूं समझिए कि हमारे क्लाइंट ने एक साइज दिया है 25 ग्राम के लिए। ये वाला साइज विड्थ 4 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर और लेंथ होगा 3 सेंटीमीटर। अब लेंथ भी आप इसको कह सकते हो, कुछ लोग इसको डेप्थ भी कहते हैं। डिपेंड करता है कि आप वर्टिकल में देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल में देख रहे हो, या वर्टिकल बॉक्स डिजाइन कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल बॉक्स डिजाइन कर रहे हो, उसमें लेंथ या डेप्थ आएगा। तो खैर, किसी भी चीज को कुछ भी कहिए उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। डिपेंड इस पर करता है कि आप कितनी एक्यूरेसी के साथ चीजों को डिजाइन करते हो। ठीक है जी, तो अगर आप बिगिनर हो तो यही साइज लेके चलना। ठीक है जी, तो चलिए एक साइज क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए फाइल में जाएंगे और न्यू में मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो आगे जब हम न्यू डॉक्यूमेंट में, सबसे पहले हमें आना है जी प्रिंट में। तो लीजिए हम प्रिंट में आ गए। यहाँ पे आकर आप कोई भी साइज एक ले सकते हो। मैं A4 साइज में ले रहा हूँ। प्रीसेट डिटेल्स में नेम मैं देके चल रहा हूँ, जैसे कि ट्यूब बॉक्स कर देते हैं। नेम आप कुछ भी दे सकते हो। यूनिट आप कोई भी ले सकते हो अपनी मर्जी से, जो भी आप देखना पसंद हो। मैं सेंटीमीटर में इसको सेट कर रहा हूँ, तो मैं सेंटीमीटर देख रहा हूँ। अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको सेंटीमीटर समझ में नहीं आता या फिर मिलीमीटर समझ में नहीं आता, तो आप कन्वर्ट कर लिया करो। ठीक है जी, ब्लीड को अभी नहीं देखेंगे, ब्लीड को बाद में समझा दूंगा। एडवांस ऑप्शन में आकर CMYK के कलर मोड और रास्टर इफेक्ट में 300 PPI लेके चलिए, क्योंकि हम इसको प्रिंटिंग के लिए क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है जी, क्रिएट करेंगे। तो लीजिए एक डॉक्यूमेंट हमारा क्रिएट हो गया है। मैं काम ये करूंगा जी, इस साइज को मैं यहाँ से लेके कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, पेस्ट करके मैं इसको कर देता हूँ जी वाइट, ताकि मुझे नजर आए, और मैं इसको साइड में कर देता हूँ। अब जी साइज ले लेंगे। साइज से पहले एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ जी। एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस और जर्नल में आ जाएंगे, और यहाँ पे देखिए कीबोर्ड इंक्रीमेंट 0.1 सेंटीमीटर पे मैंने इसको सेट किया है। अब कीबोर्ड इंक्रीमेंट क्या होता है या नज क्या चीज होता है, इसके लिए डिटेल में अलग से वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसको देख लेना। ठीक है, तो मैं इसको ओके कर रहा हूँ और यहाँ पे साइज लेने के लिए रेक्टेंगल ले लेंगे, क्लिक करेंगे, साइज पूछेगा। विड्थ मैं ले रहा हूँ जी 4 सेंटीमीटर, हाइट लेंगे 12 सेंटीमीटर एंड ओके करेंगे, और ये आ गया जी हमारा एक साइज। ठीक है, मैं स्ट्रोक में ले रहा हूँ। जब भी डिजाइन करें तो स्ट्रोक में ब्लैक कलर लेकर ही डिजाइन कीजिए इसको। ऑलराइट, सो यहाँ अगर आ जाए तो स्ट्रोक की विड्थ मैंने 1 पॉइंट रखा आपको दिखाने के लिए, और अगर आपने डिजाइन करना है तो 0.5 पे इसको रखकर ही डिजाइन कीजिए। ठीक है जी,
तो अब क्या करेंगे जी, मैं एक काम ये करूंगा कि इसके आर्ट बोर्ड को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि पूरा डाई लाइन इसके अंदर आ जाए। ठीक है, अब यूं समझिए कि ये हो गया जी हमारा फ्रंट। ठीक है, अब हमें साइड का यानी कि राइट साइड क्रिएट करना है, तो एक इसकी डुप्लीकेट मैं करके इसके साथ अटैच करूंगा। देखिए जब भी हम अटैच करते हैं ये रेड कलर का लाइन आ जाता है, तभी इसको छोड़ा कीजिए। ठीक है, ये सही से अटैच हो जाएगा इसके साथ। अब इसका साइज लेंगे लेंथ या डेप्थ का जो भी है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आ जाएंगे ट्रांसफॉर्म का पैनल। ये सारे पैनल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रांसफॉर्म नीचे आपको मिल जाएगा, ये देखिए ट्रांसफॉर्म का पैनल। ठीक है जी, रेफरेंस पॉइंट लेफ्ट की तरफ रखेंगे और 3 सेंटीमीटर विड्थ में हम ले लेंगे, 3 सेंटीमीटर एंड ओके। ठीक है जी, अब इन दोनों की हम करेंगे जी कॉपी, और कॉपी करके इसी के साथ में मैं इसको अटैच कर दूंगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहां समझिए ये हो गया हमारा फ्रंट, और ये हो गया राइट, ये बैक, ये लेफ्ट साइड। ठीक है, अब ये फ्रंट के साथ में जो आएगा ये होगा जी ग्लू मार्जिन। ठीक है, ग्लू मार्जिन के लिए इसी का ये एक डुप्लीकेट करेंगे और इसके साथ लगा देंगे कुछ इस तरह से। अब इसका साइज डिपेंड करता है कि आपका बॉक्स कितना बड़ा कितना छोटा है, तो रेफरेंस पॉइंट मैं लगा रहा हूँ राइट साइड में, विड्थ में आएंगे 1 सेंटीमीटर, मैं इसका एक साइज ले लेता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसका एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट करूंगा, इसको मूव करेंगे हम, जब भी मूव करेंगे 0.1 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको दिखाया था कीबोर्ड इंक्रीमेंट को मैंने सेट किया है 0.1 सेंटीमीटर, तो जब भी मैं इसको मूव करूंगा तो ये 0.1 सेंटीमीटर मूव होगा। देखिए कुछ इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये 0.5 सेंटीमीटर मैंने इसको मूव किया। ठीक है, तो इसी तरह से हम नीचे से भी ऊपर ले जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, कुछ इस तरह से। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम ऊपर का पार्ट क्रिएट करेंगे, तो इन चारों को मैं सेलेक्ट करूंगा और इसका एक डुप्लीकेट करके मैं इसके ऊपर लगा दूं। ठीक है, अब इसका जो साइज लेंगे वो जो हमारे लेंथ या फिर डेप्थ में है वो वाला साइज लेंगे। रेफरेंस पॉइंट मैं नीचे की तरफ लगा रहा हूँ क्योंकि हमने नीचे की तरफ लेके जाना है, हाइट में आके इसको 3 सेंटीमीटर कर देंगे। तो ये हो गया जी हमारा ऊपर का पार्ट, और इसी का एक डुप्लीकेट करके नीचे लगा देंगे। ये हो गया जी हमारा नीचे का पार्ट। अब मेन काम शुरू होता है, अब हम क्रिएट करेंगे इसमें इंटरलॉक। अब जैसे कि मैंने कहा कि कॉस्मेटिक का जो ट्यूब का बॉक्स है वो थोड़ा सा अलग होता है, मेडिसिन का जो ट्यूब का बॉक्स है उसको अलग से डिजाइन किया जाता है। अब इसको जो डिजाइन किया जाता है इसमें एक इंटरलॉक होता है। इंटरलॉक याद रखिए फ्रंट और बैक पर ही होता है, लेफ्ट और राइट पर नहीं होता है। ठीक है, लेफ्ट और राइट पे जो होगा वो बॉटम फ्लिप एंगल होगा, उसको कहा जाता है बॉटम फ्लिप एंगल। ठीक है, और यहाँ ऊपर के साइड में जो आएगा वो टॉप फ्लिप एंगल होगा। दोनों का डिजाइन अलग अलग से होगा, वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, देखिए मैं दो तरीके आपको बताऊंगा, एक बिगिनर वाला एक प्रोफेशनल वाला। ठीक है, अब बिगिनर हो तो सबसे पहले इसकी कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। ठीक है, एक कॉपी हो गया, देखिए इसी के ऊपर है। ठीक है, अब इसको करेंगे वर्टिकली हाफ। हाफ का मतलब ये जो बीच का सेंटर पॉइंट है यहां तक इसको लेके आना है, ये देखिए। ठीक है, अब इसको हॉरिजेंटली हाफ करेंगे तो कुछ इस तरह से। अब इसको कर देंगे अलाइन तो कुछ इस तरह से, बॉटम में मैंने अलाइन इसको कर दिया। राइट, अब इसी बॉक्स का एक डुप्लीकेट करके यहां लेके आएंगे ऐसे, और इन दोनों को भी मैं अलाइन कर दूंगा बॉटम में और ये वर्टिकल अलाइन। ठीक है जी, ऑलराइट। सो इतना होने के बाद जी इसको सेलेक्ट करेंगे इस वाले बॉक्स को, और इसको पकड़ के यहां तक लेके आएंगे, देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, अब दोनों को सेलेक्ट करके पाथ फाइंडर में जाएंगे और यूनाइट कर देंगे इसको। अब मैं ये करूंगा जी, पेन टूल के नीचे आपको मिलेगा डिलीट एंकर पॉइंट टूल, और यहाँ पे देखिए एंकर पॉइंट है, मैं इसको बंद कर दूं। यहाँ एंकर पॉइंट है, इस एंकर पॉइंट को डिलीट कर देंगे। ठीक है, और इसको भी डिलीट करेंगे तो इस तरह का एक शेप हमें मिल जाता है।
अब आ जाता है जी यहाँ पे, इन दोनों को फिर से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, पाथ फाइंडर में जाएंगे और माइनस फ्रंट कर देंगे। तो माइनस फ्रंट करते ही हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है। डायरेक्ट सिलेक्शन से अंदर के जितने भी कॉर्नर हैं इनको सेलेक्ट करके थोड़ा थोड़ा सा आप राउंड कर दीजिए, ठीक है। कॉर्नर को राउंड करने का फायदा ये होता है कि शार्पनेस आता है, अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो इस तरह से मैं 0.2 सेंटीमीटर इसको राउंडेड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाते हैं, इसको भी राउंडेड कर देते हैं और 0.2 सेंटीमीटर से इसको इस तरह से मैंने राउंडेड कर दिया। तो ये हो गया जी हमारा इंटरलॉक, ठीक है। अब बॉटम फ्लिप एंगल किस तरह से बनाएंगे उसको देखिए। यहां से मैं ले रहा हूं एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो साइज होगा 0.2 सेंटीमीटर और हाइट में भी 0.2 सेंटीमीटर, ओके कर दिया। छोटा सा रेक्टेंगल आ गया, मैं एक काम करता हूँ इसको कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई भी दे अच्छी तरह से, ठीक है। अब ये रेड कलर का रेक्टेंगल है, इसको अलाइन करेंगे यहाँ पे टॉप लेफ्ट पे। तो दोनों को मैं सेलेक्ट करके अलाइन के पैनल में जा रहा हूँ, टॉप लेफ्ट कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, रूलर आ जाते हैं, यहाँ से गाइडलाइन लेके यहाँ पे लगा देंगे। अब इसकी जरूरत नहीं है, चाहो तो उसको साइड में हटा के रखेंगे, ठीक है, डिलीट नहीं करेंगे, बाद में हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। तो इस वाले बॉक्स को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए, और यहाँ से पेन टूल के नीचे ऐड एंकर पॉइंट टूल लेंगे और यहाँ पे एक एंकर पॉइंट को ऐड कर देंगे, ठीक है। डायरेक्ट सेलेक्शन टूल लेके इस एंकर पॉइंट को हमने सेलेक्ट ही किया हुआ है, नीचे वाले एंकर पॉइंट को भी शिफ्ट की प्रेस करते हुए सेलेक्ट कर लीजिए और इसको मूव करेंगे 2 times 1 and 2, ठीक है जी। ये 0.2 सेंटीमीटर मूव हुआ है। अब ये हमने इसलिए किया है ताकि ये दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें या एक दूसरे से टकराए ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे बॉटम फ्लिप एंगल, इसको एंगल की तरह बनाएंगे। तो एंगल की तरह बनाना जरूरी है, बिना वजह कोई भी चीज नहीं होती, हर एक चीज की एक वजह होती है, ठीक है। पहले तो ये करेंगे जी, ये वाला जो हमारा गाइडलाइन है इसका काम वहां पे खत्म। अब इसको अलाइन करेंगे बिल्कुल सेंटर में, इस बॉक्स के सेंटर में। तो दोनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको अलाइन कर देंगे कुछ इस तरह से। एक और लेके आएंगे यहाँ से और इन दोनों को मैं अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया सेंटर पॉइंट, राइट। अब इस वाले बॉक्स को हमने सेलेक्ट करना है, एड एंकर पॉइंट टूल ले लेना है और यहाँ पे एक एंकर पॉइंट को मैंने ऐड किया, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से शिफ्ट की प्रेस कर लीजिए और इसको बिल्कुल सेंटर पे लेके आइए। अब नीचे में आ जाते हैं, नीचे ये जो एंकर पॉइंट है इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको 2 times पीछे की तरफ यानी कि लेफ्ट की तरफ करेंगे 1 2, ठीक है। अब इसको राउंडेड आप कर सकते हो, तो मैं इसको राउंडेड कर देता हूँ 0.2 सेंटीमीटर कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये हो गया बॉटम फ्लिप एंगल, ये एंगल की तरह बनाया, क्यों बनाया अभी मैं आपको समझा देता हूँ। तो पहले इसकी एक डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ पे और रेफरेंस पॉइंट में सेंटर पे रख के इसको फ्लिप कर देंगे और इसके साथ अलाइन कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। इस बॉक्स को निकाल देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है और मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इन गाइडलाइंस को भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है, आपको क्लियर नजर आएगा, ठीक है। अब देखिए ये काम कैसे करता है, ये जो है आपका, इसकी मैंने एक कॉपी कर ली, ठीक है, इसको फ्लिप कर देंगे और ये हो गया जी हमारा इंटरलॉक। अब ये जाएगा जी कुछ इस तरह से, ठीक है जी, ये कुछ इस तरह से लॉक हो जाएगा। अब इसके नीचे जो है ये वाला पार्ट दोनों आता है, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, इसको संभाल के रखता है या इसके अंदर जो ट्यूब है उसका वेट होता है, वो वेट से नीचे की तरफ ना निकल जाए, उसको रोक के रखने के लिए इसको इस तरह से बनाया जाता है। देखिए मैं कुछ इस तरह से दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए कुछ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं और ऊपर से ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस रेक्टेंगल को मैं ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ और यहाँ रखते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। अब ये आ गया जी फ्रंट साइड, फ्रंट साइड के जो टॉप होता है ऊपर होता है उसमें फ्लिप लॉक लगता है, ठीक है, फ्लिप
और इसके ऊपर आएगा लॉक। अब लॉक को कैसे बनाएंगे, कई सारे तरीके हैं, एक बिगिनर तरीका में भी मैं आपको बता देता हूँ। सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, एक कॉपी कर लिया, ठीक है। अब उसको कर देंगे इस तरह से, ठीक है, और इसी का ही डुप्लीकेट कर देंगे ऐसे, एक और करेंगे, तीन हो गए जी, ठीक है। अब इसमें से दो को हटा देंगे, दो को मैंने डिलीट कर देता हूँ, इसको भी और इसको भी। ये जो बचा है इसको आप ऊपर लेके यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो ये तो हुआ जी एक बिगनर वाला तरीका। अब प्रोफेशनल वाला जो तरीका है वो थोड़ा सा फटाफट वाला तरीका है, देखो उसको भी कैसे किया जाता है। सेलेक्ट करेंगे, एक कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और ट्रांसफॉर्म के पैनल में आ जाइए, रेफरेंस पॉइंट नीचे की तरफ लगाइए, ठीक है, और यहाँ पे आ जाइए, देखिए हाइट में, हाइट में आकर स्लैश थ्री करिए, ठीक है, स्लैश थ्री और एंटर। ये देखिए जी आ गया। अब इसको उठाकर ऊपर के साइड इसको लगा दी कुछ इस तरह से, ठीक है। मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, एक काम करते हैं कि जी मुझे ये सही से लगा हुआ दिख नहीं रहा है, तो इसको चेक करने के लिए देखिए कंट्रोल वाई प्रेस कीजिए, ये वायर फ्रेम में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हुआ है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए नहीं हो रहा है तो वही तरीका है जी, दोनों को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। मैं कंट्रोल वाई से वापस स्ट्रोक में लेके आता हूँ, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, एक को आप मास्टर कर दीजिए और पहले तो इसको ऊपर अलाइन कीजिए टॉप अलाइन, उसके बाद डी सेलेक्ट करेंगे और ये बीच वाला जो ऊपर वाला बॉक्स है इसको सेलेक्ट करेंगे, रेफरेंस पॉइंट ऊपर की तरफ ही लगाएंगे, इसको वर्टिकल फ्लिप कर देंगे, ठीक है जी। अब कुछ इस तरह से मैं आपको अब दिखाता हूँ, कंट्रोल वाई, ये देखिए बिल्कुल सही जगह ये अटैच हो गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से भी कर सकते हो। अब थोड़ा थोड़ा इसको राउंडेड कर दीजिए। अब देखिए बहुत से लोगों की आदत है पकड़ते हैं और इसको ऐसे करके राउंडेड कर देते हैं, ठीक है। हाँ मैं मानता हूँ बिगिनर बहुत सारे हैं, तो नहीं ऐसे नहीं करना है इसको, जब भी राउंड किया जाएगा तो डिपेंड करता है कि बॉक्स कितना बड़ा कितना छोटा है, 0.5 से लेकर 0.8 के बीच में आप कोई भी ले सकते हो, 0.5 ले लीजिए, 0.6 ले लीजिए, 0.7 ले लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ 0.5 कुछ इस तरह से, ठीक है, इतना काफ़ी होता है। अब इसका फायदा ये होता है कि बंद करने और खोलने में आसानी रहती है, ठीक है, ये टकराता नहीं है साइड से। तो यहाँ पे भी एक कट लगाया जाएगा, कट तो नहीं होता, वो एक तरह का लॉक होता है, कैसे लगता है मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। पहले क्रिएट करेंगे एक रेक्टेंगल, विड्थ लेंगे जी 0.5 और हाइट ले लेंगे 0.1 और एक छोटा सा रेक्टेंगल हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब इसको उठाएंगे और इस लाइन के बीच में ऐसे करके लगा देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। दूसरी साइड में भी लगाना है हमने, तो दूसरी साइड में भी कॉपी करके इसको यहां लगा दीजिए कुछ इस तरह से, राइट। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं टॉप फ्लिप एंगल, ठीक है। ये भी एंगल की तरह बनता है लेकिन जो बॉटम में है इससे अलग तरीके से बनता है, क्योंकि ये बार बार खोला जाएगा और बंद भी किया जाएगा तो उसको अलग तरीके से बनाया जाता है। तो उसके लिए एक काम ये करेंगे जी, इसी बॉक्स का एक डुप्लीकेट मैं कर रहा हूं और साइज को थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे, तो साइज मैं लूंगा इसको कर देते हैं 1 cm by 1 cm, ठीक है जी। ये लीजिए एक बड़ा सा रेक्टेंगल हो गया, राइट। अब इन दोनों को मैं अलाइन करूंगा, पहले तो यहाँ पे बॉटम राइट पे कुछ इस तरह से, अब इस इन दोनों को करेंगे अलाइन यहाँ पे बॉटम लेफ्ट पे, ठीक है जी। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे गाइडलाइन, यहाँ एक गाइडलाइन मैं लगा देता हूँ, ठीक है। अब इसका काम खत्म, इसको कर देते हैं जी डिलीट। इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे एंकर पॉइंट को, एक एंकर पॉइंट को यहाँ पे ऐड करना जरूरी है, ठीक है। ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट है हमारा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस एंकर पॉइंट को भी सेलेक्ट करेंगे। अब इसको 2 times मूव करेंगे 1 2,
कुछ इस तरह से, ठीक है, ताकि ये इसके साथ टकरा ना जाए। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद जी, अब ये जो गाइडलाइन है मैं इसको इसके ऊपर लगा देता हूं ताकि ये यहां पे रहे। मैं अंडू करूंगा और अब मैं इसको वापस से लगा देता हूं सही जगह, ठीक है जी, कुछ इस तरह से। सो इतना होने के बाद जी, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं और इस बॉक्स को मैं सेलेक्ट करूंगा, एड एंकर पॉइंट टूल लेंगे और यहां पे एक एंकर पॉइंट और ऐड करेंगे, ठीक है जी। उप्स, थोड़ा सा और जूम करके करेंगे यहां पे, ठीक है जी। सो अब क्या करेंगे, अब डायरेक्ट सेलेक्शन टूल लेंगे और इसको 5 times आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसको हम 10 times मूव करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये लीजिए जी, कुछ इस तरह का एक फ्लिप एंगल, टॉप फ्लिप एंगल हमारा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हम थोड़ा सा राउंडेड इसको कर सकते हैं, तो 0.2 centimeter में मैं इसको राउंड कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह का एक फ्लिप एंगल हमारा बन गया, ठीक है। इस गाइडलाइन की अब जरूरत नहीं है और इस बॉक्स की भी हमें जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। अब इसका मैं कॉपी करूंगा और इसको मैं रेफरेंस पॉइंट सेंटर पर रख के फ्लिप कर देता हूँ और इस बॉक्स के साथ अलाइन कर देंगे, ठीक है जी, सेंटर अलाइन कुछ इस तरह से। अब इस बॉक्स की जरूरत नहीं है, इसको चाहो तो आप डिलीट कर सकते हो। अब इसको हटाया क्यों है जी, ये वाला जो पार्ट है, मैं इसकी कॉपी करके ग्रुप करके मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजिंग ना रहे। ये लीजिए जी, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। ऑलराइट, ये जो कट्स है इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये देखिए, यहां पे मैं आपको बॉक्स में अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे देखिए, ये जो फ्लिप एंगल है ये इस कट से थोड़ा सा अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। ये जो मैं इसको डिलीट कर दूं, ये वाला जो पार्ट है जब हम बंद करते हैं तो यहां पे जाके फंस जाता है, ठीक है। एक पार्ट यहां पे फंसेगा और एक पार्ट यहां पे फंसेगा, ठीक है जी। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए, इतना तो कंप्लीट हमने कर लिया है, अब मेन चीज आ जाती है, अब डाई लाइन, क्रीज लाइन और ब्लीड को हम क्रिएट करेंगे। तो उससे पहले इसको अलाइन कर लेते हैं, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप करूंगा और इसको हम पहले तो अलाइन कर देंगे, सेंटर अलाइन कर लेते हैं इसको, ठीक है। और आर्टबोर्ड को भी थोड़ा मैं छोटा कर दूंगा, इतना बड़ा आर्टबोर्ड मैं नहीं रखूंगा, थोड़ा मैं छोटा कर रहा हूं कुछ ऐसे और कुछ इस तरह से, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी, मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप कर रहा हूं। अब जब भी आप काम करें तो लेयर वाइज काम कीजिए, ठीक है, उसमें आपका काम भी मैनेज रहेगा, ठीक है। तो ये जी, सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे क्रीज लाइन, क्रीज लाइन। तो क्रीज लाइन के लिए जी, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, क्रीज लाइन फोल्ड के लिए होता है, जहां जहां से हम फोल्ड करेंगे उसको कहा जाता है क्रीज लाइन, यानी कि हम मार्किंग करके देते हैं, बताते हैं कि यहां यहां से हमें फोल्ड करवाना है, ठीक है। जो फोल्ड करता है, आप नहीं करोगे फोल्ड। अब बहुत से सब्सक्राइबर कहते हैं कि सर ये इसको फोल्ड कैसे किया जाए, ये बताइए। देखिए, आपका काम नहीं है फोल्ड करना, ठीक है, आपका नहीं है काम, आपका काम है डिजाइन करना, फोल्ड करना नहीं है, उसके लिए अलग प्रोफेशनल होते हैं, वो करते हैं काम। तो आपको मार्किंग करके दिखाना है, उस मार्किंग को कहा जाता है क्रीज लाइन, यानी कि जहां से आपने फोल्ड करवाना है। तो क्रीज लाइन को क्रिएट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, जो बाहर का जो बॉर्डर वाला लाइन है इसको सेलेक्ट नहीं करना है, और ये जो कट बनाया हमने इसको भी सेलेक्ट नहीं करना है, जो बीच के लाइन है उनको ही आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट कैसे करना है, सबसे पहले डायरेक्ट सेलेक्शन टूल लेंगे, शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसे यू इस तरह से और कुछ ऐसे, ठीक है, और अब कुछ
इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। अब इसकी करेंगे कॉपी, एडिट में जाके कॉपी कर लेंगे और पेस्ट करेंगे अपना क्रीज लाइन वाले लेयर पर। तो एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस कर देंगे। अब सेलेक्ट रहने देंगे इसका, पहले मैं कलर को चेंज कर दूं, मेरी आदत है मैं इसको कलर को चेंज करके ब्लू में रखता हूं। आप कोई भी कलर ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। पर एक चीज याद रखना कि स्ट्रोक का जो विड्थ होगा 0.5 से ज्यादा मत रखना, ठीक है। वो सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए रखा था। स्ट्रोक में आकर मैं इसको डैश लाइन ले रहा हूं, तो 5 पॉइंट का एक डैश लाइन मैंने क्रिएट कर दिया। ये देखो जी, डैश लाइन चल रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको जी हाइड कर रहा हूं। अब हम क्रिएट करेंगे ब्लीड। तो ब्लीड के लिए जी, ये हमने एक लेयर क्रिएट किया है ब्लीड। सो अब ब्लीड क्रिएट करने से पहले एक काम ये करते हैं, यहाँ आ जाते हैं और इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं कुछ ऐसे, पाथ फाइंडर में आके यूनाइट कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। इतना होने के बाद जी, ये जो हमने कट बनाए थे, ठीक है, दोनों को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट की प्रेस करते हुए, राइट क्लिक करके मेक कंपाउंड पाथ कर देंगे इसको। तो कंपाउंड पाथ होने के बाद इस पार्ट को और इस वाले पार्ट को दोनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए पाथ फाइंडर में आकर इसको माइनस फ्रंट हम कर देंगे, ठीक है जी। तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है। इतना होने के बाद जी, अब हम क्रिएट करेंगे ब्लीड को। तो ब्लीड को क्रिएट करने से पहले इन सबको मैं सेलेक्ट कर रहा हूं ऐसे, ठीक है, पाथ फाइंडर में जाएंगे और यूनाइट कर देंगे इनको, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरह से एक डायलाइन मिल जाता है, ठीक है। अभी ब्लीड क्रिएट नहीं हुआ, ब्लीड के लिए हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में पाथ और यहां से ऑफसेट पाथ ले लेंगे। ब्लीड मिनिमम 0.3 सेंटीमीटर होगा, मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको ओके कर रहा हूँ, ये आ गया जी हमारा ब्लीड। अब ब्लीड का फायदा ये होता है जी, हम अपने डिजाइन से एक्स्ट्रा डिजाइन कर रहे होते हैं ताकि जो बैकग्राउंड है कटिंग के बाद बिल्कुल एजेस तक हमें नजर आए, क्योंकि ये वाला पार्ट कटिंग से निकल जाएगा और ये वाला पार्ट रह जाएगा, तो हमारा जो बैकग्राउंड है बिल्कुल एजेस तक आएगा, राइट। तो ये फायदा होता है। तो मैं इसको यहां से कट कर रहा हूं क्योंकि ये इस लेयर पे है, मुझे ब्लीड वाले लेयर पे रखना है। तो ब्लीड वाले लेयर पे आके पेस्ट इन प्लेस करेंगे और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है जी। स्ट्रोक का विड्थ को मैं कम कर देता हूँ, 0.5 में रखूंगा और ये जो ब्लैक वाला है हमारा, ये बन गया जी हमारा डायल है, ठीक है। तो मैं इनको हाइड कर दूं और इसको शो कर रहा हूँ, ये हमारा हो गया डाई लाइन। अब मैं इसको डाई लाइन नेम दे रहा हूँ कुछ इस तरह से। अब डाई लाइन को सबसे ऊपर रखना है, याद रखना कि इसको ऑर्डर में सबसे ऊपर रखा जाता है और ब्लीड को नीचे रखा जाता है। सबको मैं शो करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। पर अभी छोटा सा एक काम रहता है, मैं अगर यहाँ आ जाऊँ तो यहाँ देखिए क्रीज लाइन थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा और यहाँ से एक एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके इसको अंदर की तरफ लेके आएंगे, ठीक है। और यहाँ से भी एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके शिफ्ट की जरूर प्रेस रखना और इसको अंदर की तरफ लेके आएंगे। अब यहाँ पे देखिए डबल लाइन था, इसकी जरूरत नहीं हमें, इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट। तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है। तो ये तो हुआ जी हमारा कॉस्मेटिक ट्यूब बॉक्स के लिए प्रिंटिंग का लेआउट। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं इसी प्रिंटिंग के लेआउट को ले जाऊंगा और इसमें हम डिजाइन भी करेंगे और भी कई चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर से पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम आया मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिजाइन की ट्यूटोरियल लिए एक बार फिर से मैं आऊंगा एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।